हेलो क्लास वन, गुड मॉर्निंग। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन एट पेज नंबर 166। पेज नंबर ओपन करिए। ज्योमेट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ध्यान से। यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिख रहा है ना, ये देखिए साइकिल है, टेबल है, बुक है, एग है, टेंट है, इसमें देखिए घर में कबर्ड है, मिरर है, ठीक है, विंडो है, कैलेंडर है, ये वॉल दीवार है। इस तरीके से सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं फिगर में। अब आइए नीचे देखते हैं, नीचे भी कुछ फिगर्स हैं जिसकी 3 साइड हैं 4 साइड हैं, ठीक है। आप देखिए इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ये व्हील है, पहिया, रिंग है, ये आप देख रहे हैं इसकी 4 साइड है 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड है 1 2 3 4, इसमें 3 साइड है 1 2 3, ठीक, इसमें भी 3 साइड है, देखो ध्यान से, 1 2 3 3 साइड है, इसमें 1 2 3 4 साइड है, और इसमें पूरा कर्व है, घुमा हुआ है। तो इस तरीके के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, ठीक है, चलो जानते हैं। आओ नेक्स्ट पेज पे 167 पे आ जाओ। तो देखो इस पेज पे तुमको मिलेगा फिगर, इस फिगर को हमें ध्यान से देखना है और बताना है क्या चीज पूछा है। तो पहला है विच फिगर हैज 3 साइड, किस फिगर में आपको 3 साइड मिल रहा है, 3 साइड। तो इसको देखो 1 2 3, 3 साइड है, तो किस फिगर में 3 साइड है, क्या नाम है इसका, पिरामिड। क्या नाम है इसका, पिरामिड। तो हम यहां लिखेंगे पिरामिड, इस बॉक्स में लिख देंगे PYRAMID, पिरामिड। अब देखो पूछ रहा है विच फिगर है 4 साइड्स, विच फिगर्स, किस किस फिगर्स में जो है 4 साइड हैं। तो किस किस फिगर में 4 साइड हैं, ये अलमीरा है, ये पिरामिड, ये मिरर है, तो 4 साइड किसके पास है, अलमीरा के पास, 1 2 3 4, अलमीरा के पास 4 साइड है, तो हम यहां लिखेंगे अलमीरा, ठीक। अब यहां देखिए विच फिगर्स हैव अ कर्व्ड लाइन एज बाउंड्री, किस फिगर के पास कर्व्ड लाइन है, घुमा हुआ है, जो उसकी बाउंड्री है, किनारा है, वो गोल है, यानी घुमा हुआ है, कर्व है, तो किसके पास है, मिरर के पास, तो हम यहां राइट करेंगे मिरर, ठीक, राइट हो गया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखिए, यहां पे शेप्स नेम दिया हुआ है कि किस शेप को क्या कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो देखो ध्यान से, इसके 4 साइड है, 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगल, जिसकी 4 साइड होती हैं। देखो इसका एग्जाम्पल, देखो विंडो, अलमीरा दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्क्वायर, कितनी साइड है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 साइड है, तो इस तरीके के फिगर को क्या कहते हैं, स्क्वायर। अब स्क्वायर का एग्जाम्पल देखो, ये देखो कैरम बोर्ड टाइप का है ये, ठीक, और ये डाइस है, लूडो की गोटी जो है। अब आगे देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट, यहां पे देखो कितनी साइड है, 1 2 3, 3 साइड है, तो इस तरीके के फिगर को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। इसका देखो दिया हुआ है, ये देखोगे फिगर में ट्राइंगल, 3 साइड है, 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्राइंगल। अब यहां देखो कर्व है, घुमा हुआ है, तो कर्व रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, सर्कल। घुमा हुआ है, पूरा गोल रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं सर्कल। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ व्हील है, क्लॉक है, राउंड क्लॉक जो है, ठीक, गोल वाला। अब ये देखो ओवल, ओवल, अब देख रहे हो कि ये एग है, एग के शेप का है ओवल, इस तरीके के शेप को ओवल कहते हैं। कर्व बाउंड्री है इसकी, इसका भी जो किनारा है वो कर्व है, घुमा हुआ है, ठीक, तो इसको कहते हैं हम ओवल। अब आओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखोगे कलर द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स को आपको कलर करना है। तो जो स्क्वायर है उसको रेड कलर से करना है, रेक्टेंगल को ब्लू कलर से, सर्कल को येलो कलर से, ट्रायंगल को ग्रीन कलर से, ओवल्स को ब्राउन कलर से करना है। तो ये आप कलर कीजिएगा बुक में। अब हम लोग आगे आते हैं, इस फिगर को देखते हैं भाई, ये फिगर देखिए बना हुआ है, फाइंड द ज्योमेट्रिकल फिगर। अब इसमें हमें फिगर को ढूंढना है, तो चलो ढूंढा जाए।
कौन सा क्या फिगर है। सबसे पहला क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इन द एव फिगर, इस फिगर में कितने सर्कल्स हैं। तो चलो ढूंढते हैं कितने सर्कल्स हैं। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, इसका मुंह हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, कितना सर्कल हुआ 9। तो हम यहां राइट करेंगे 9। अब दूसरा देखो, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द एवर फिगर, अब कितने ट्राइंगल्स हैं, 3 साइड वाले ट्राइंगल। तो देखो 1, 2, 3 साइड है, एक ट्राइंगल ये हो गया, 1, 2, 3 साइड ये है, एक ट्राइंगल ये हो गया, और 1, 2, 3 साइड ये, एक ट्राइंगल ये हो गया। तो कितना हो गया 1, 2, 3 हो गया। इसकी नोज देखो 4 ट्राइंगल बना दिया हमने। 4 के बाद ये देखो 5, 6, इसके बाद यहां देखो ये हो गया 7 और ये छोटा 8 और ये हो गया 9, 9 ट्राइंगल मिला हमें। और नीचे आते हैं पैरों में देखो इसके 10 और ये 11, तो कितने ट्राइंगल्स हो गए 11। तो हम यहाँ राइट करेंगे 11। अब आगे देखिए, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द एव फिगर, कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो रेक्टेंगल देखो काउंट करते हैं, देखो इसकी आईब्रो देखो, देख रहे हो 1, 2 हो गया, ये जो हाथ में पकड़ा है ये 3, यहां देखो ग्लास का ये ठीक है कॉक है ये 3 और ये हो गया 4 हो गया और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक 6 हो गया ना 6, इसके बाद ये 7, 8 ठीक 8 के बाद ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल कितना आ रहा है 1, 4, 14। तो हम यहां पे 14 राइट कर देते हैं। अब आगे देखो लास्ट है फोर्थ नंबर, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द एवर फिगर, कितने स्क्वायर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कितने स्क्वायर्स हैं। देखो स्क्वायर एक ये बड़ा सा दिख रहा है 1, एक स्क्वायर हो गया 1, और पैर में देखो 2, 3 कितने स्क्वायर्स हैं 3। तो यहां हम राइट करेंगे 3। तो आपको यहां तक कंप्लीट कर लेना है पेज नंबर 169 तक, फिर आगे क्या है 170, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। तो 169 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, फिगर को ध्यान से देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।